अस्सलाम वालेकुम, मैं अदनान जमतो नाल मुखातिब हां। मैं ए टाइम सेफन दी दूजी साइड ते चक बुजदार वाली साइड ते खड़ा थिया, और मैं तो को वीडियोस वगैरह भी दिखा रहे इन्हें दे जरा इन्हें दे सेफन आईए ते इन्हें दे जितना भी ए दरवाजे इन्हें दे पियो ए दाणे दे जरा ड्रामन ए सारे ए टाइम जरा ना खराब थी के दाणे भी असा मैं तो को फुटेज दिखा रहे सु ते सन नाल जरे सिलाब ने मुतासिर सन नाल असन नाल गाल करने। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम जी। चाचा सिलाब जो है तो को नहीं पता लगा पहले कि सिलाब बंदा पैसा चीजा वगैरह साइड ते कर गिनो? चाचू रात दा है तकरीबन 2-3 बजे। अच्छा जी जी। तो मैंने पहले तो खबर रही कि सिलाब आवण लगा है। आवण वाला ही पता था उतू ते हाना थी खबर है कि ये आंदे या नहीं आंदा। अच्छा कितना नुकसान थी गया तोरा? बहु नुकसान था है, खुदा असलो करे इंदा एंजा नुकसान कहीं दा ना। दाणे गए, जाही ठाए गए, बिस्तरे गए, असा सिर्फ माल बाल बच्चे काट कर बाहर गयो, भी कछा नहीं बची। असा ई टाइम जिथा खड़े हैं एक एक घर दे अंदर खड़े हैं, ऐसा घर दे अंदर खड़े हैं इन्हें। मैं अपने कैमरामैन को अक्सर इनको दिखाओ सारे नाजरीन को कि ई टाइम इतो सारे दे जरे दीवारां ढह गए, और ये सामने सारे सामने जरे उन्हें गंदम वगैरह लाती है। मेरे टाइम मेरे ख्याल ई टाइम ये सारी गंदम खराब थी चुकी। ये पिछो दे पो त्रै चार जरे ड्रम लाते हैं, ये भी सिलाब की ज्यादा च आ गए। असा इन्हें गाल की सको यादन कि असा सुते पास सको मतलब कि कहना पता कि सिलाब आवने नहीं आवने, लेकिन इतना जल्द असं उठे से डूडू 3-3 फुट जितना पानी आ पीछे असा आप खुद मतलब जरा माल ही असा उन्हें को बचाए अपने आप को बचाए। अच्छा चाचा कोई इतना आया है इमदाद वास्ते? ब्याह यो जा कोई कह रही है मौली वगैरह आए अल फलाह वाले कहीं पुल चांडे वाली थे। अच्छा वही कोई इंसाफ का नहीं दिया कि में इंसाफ पौध वाले जे पौध वाले मुतासर ही नहीं थे वे गेन में दे हन परे सब बंदा गया है असद गियो सारे गियो मैं आज भी गया आए जो वदे हन कुछ राशन चाहिए वदे हन चावल चाहिए वदे हन लेकिन साकू का नहीं देते वे पौध वाले चा गए। तो कौन क्या क्या जरूरत है इन टाइम? अब जरूरत ढेर चीजें यो कुछ मकान सारे ढाए गए असा को मकान बनवावन जितनी जो कछ दे में ना थी जिवे बंदा मिट्टी पेंदे मिट्टी पाक रही असा मकान बना सकू बस सिली वगैरह कुछ सारे अपने हैं कुछ हकू क्या डर ते कहनी सिलाब वगैरह वाला फिलहाल तो कोई नहीं। हो पानी कितना आई था? तकरीबन 3-4 फुट पानी आए था। अच्छा जी जी ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬੰਦ 3-4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆਈ ਥਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਮ ਘਰ 'ਚ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਬੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਆਤੇ ਜਿਨ ਜਿਥਾਂ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਜੁੱਤੀ ਦੇ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਗਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਣ ਰਾਤ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਥਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਲਾਬ ਦੀ ਜ਼ਦ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥਾਂ ਇਹ ਕਿ पैदल चलन दी भी जगह कहनी। चाचा तुसा अपने बाल वगैरह सारे हल तक घरे हैं? चाचा बाहर हैं जी। बाहर बाहर है बाहर हो गया इवें बैठन था। अच्छा वो भी पानी जो मतलब उन्हें लंगा जी जी पानी जो गुजार करें उड़ी बाहर जितन कोई टीबी है। अच्छा। छोटी मोटी उठाई यो पीते थे शामिया ने मौलिया दितन है कद वही बंदे ज्यादा हन पीछे कुछ सके दो नहीं पाते कट गयो कुछ लाई हैं मजबूरी करे माल तो देखो घाई कोई नहीं कि इतना मिट्टी है ये पानी है बस मेहरबानी थी सके तो सारी कोई इमदाद की थी वजे अस बहु मुतासर थी बहु जी। मैं बस्ती चक बुजार ची टाइम खड़ा जितना जमात ई टाइम इमदाद करने वदन राशन लेने वदन और लोगों की हेल्प करने वदन मौलाना तारिक जमील साहब की जमात भी सब वो उन्हें टकरात है वो भी हेल्प करने वदी है लोगों की ते थोड़ा जी मेन रोड पे भी लोग कुछ हैं मुतासर लेकिन थोड़ा जी लोगों ने पूछे अंदर चक्कर लावें देखें लोग किरे किरे मुतासर हैं जरे घर कर निकल सकते क्योंकि घर भी नहीं छोड़ सकते ना इलाका इंज है तो इतना जरूर चक्कर लावें और इन्हें दी घर कने कहीं तो जो वनू कि वनू आज हालात ही हो जो है बाल बच्चे नाल हैं किथा वनू हर जाते सिलाब ही हो इलाका सारा मुतासर है ये नहर दी पचा थी मगर भी सही टोटल मुतासर है जी हाँ बिल्कुल इवें वे जेरे भी इन्हें जाने वाले रिश्तेदार वगैरह उस टाइम सारे मुतासर हैं सिलाब कने ते मैं जमातें जितना भी इमदाद करने तो सारे को रिक्वेस्ट करना कि थोड़ा जी अंदर देहात इलाके अंदर आवे लोगों का मतलब है कि इतना ना काठियां भाव बना दी ना इतना गैस तो वैसे कहीं नहीं होती लोग।